Assalamu alaikum and welcome back to another exciting episode of KP's Blog. Ladies and gentlemen, this week has been very, very special क्योंकि इस हफ्ते National Women and Girls in Sports Day celebrate किया गया था और इसको मैं special इसलिए consider करती हूँ because I believe there are a bunch of very inspirational Pakistani ladies जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए. They defied all the odds and they dreamt very big and they dreamt big and achieved their passion, their goals. और ख़वातीन हज़रात, इसमें मैं specifically sports के हवाले से बात कर रही हूँ. हम जानते हैं कि ऐसी सोसाइटी में जो विच इज़ ऑलरेडी वेरी बायस्ड, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसके अगेंस्ट जाकर अपने पैशन को अचीव करना डेफिनेटली नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड. इट्स वर्थ अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट. पाकिस्तान में बहुत सारी जो है स्पोर्ट्स वुमेन हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और करती आ रही हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो हफ्ता है इसीलिए बहुत स्पेशल है और हमें ऐसी औरतों को सेलिब्रेट करना चाहिए. अगर स्पोर्ट्स के बारे में जनरली बात करें तो बचपन से आई हैड अ लॉट ऑफ फॉन्डनेस टुवर्ड्स स्पोर्ट्स और अभी तक है. तो स्कूल टाइम में भी मैंने हर किस्म का स्पोर्ट्स खेला, चाहे फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, बी इट एनी स्पोर्ट, और अभी तक मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ. यूनिवर्सिटी में भी कभी भी मौका मिले, वेन एवर आई गेट द टाइम एंड वर फ्री, कोई क्लास नहीं हो रही, सो आस्ट फ्रेंड्स वी गैदर टुगेदर और हम लोग वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. और अगर इसको हम फिटनेस के एस्पेक्ट से भी देखें, उस साइड से भी देखें, तो बहुत सारे फ़वाद हैं. देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स. इट कीप्स यू एक्टिव, एनर्जेटिक, हैप्पी. इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल. सो लेडीज जेंटलमैन, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, बट वी आर नॉट ओनली गोना टॉक अबाउट वुमेन इन स्पोर्ट्स, वी आर ऑल्सो गोना टॉक अबाउट मेन इन स्पोर्ट्स. तो आज जो हमारे बहुत ही दो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे. उनकी बहुत ही सक्सेस स्टोरीज हैं, दे आर वेरी वेरी inspirational. So, chaliye, without any further delay, let's get to know them. वेलकम बैक एवरीवन. आज हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर अली खान, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर हैं और कोच भी हैं, एंड ही इज़ आल्सो करंटली डूइंग हिज बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग. तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग जॉब दैट यू आर डूइंग सर. इनकी स्टोरी बहुत ही मज़े की है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है. और हमारे साथ मौजूद है मानूर अहमद, हु इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. स्कूल में भी हम साथ थे और अब यूनिवर्सिटी में भी हम साथ हैं. ये भी बैचलर्स कर रही है सोशल साइंसेज में, एंड शी इज़ आल्सो एन अमेजिंग अमेजिंग क्रिकेट प्लेयर. पेशावर जो रीजनल टीम है उसके लिए खेलती हैं. तो आई मीन आई एम अमेज्ड, आई एम सो ग्लैड यू बोथ आर हियर. थैंक यू सो सो मच फॉर कमिंग. बहुत शुक्रिया. तो सबसे पहले हम तैमूर की तरफ आते हैं. सर, आप जो हैं अपनी स्टोरी जो है मुझे बता रहे थे स्टार्ट होने से पहले भी, एंड इट वाज सो यू नो हार्ट वार्मिंग. तो प्लीज़ आप सबसे पहले बताएं कि मोटिवेशन कहाँ से आई फुटबॉल खेलने की. माय नेम इज़ तैमूर अली खान, मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हूँ. बस मोटिवेशन, मेरे चाचू थे फुटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मेरे जो अब्बू हैं वो ख़ुद पाकिस्तान ए टीम के गोलकीपर रह चुके हैं. सो उनके साथ भी कुछ ऐसा वाकया हुआ था कि वो पाकिस्तान टीम में ना आ सके, सो डिसहार्ट हो के उन्होंने हॉकी छोड़ दी थी. फिर उसके बाद मेरे चाचू फुटबॉल खेलते रहे, तो जब मुझे थोड़ा सा उनको देखता रहा, मुझे भी शौक चढ़ गया उनको देख के, वो मेरे लिए इंस्पायरेशन बन गए. मैंने भी उनको कहा कि मैंने भी फुटबॉल खेलनी है. क्या उम्र थी तब आपकी? मैं 7th class का स्टूडेंट था. अच्छा। जी, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, साथ हाथ से पकड़ के ग्राउंड लेके जाते थे, बैठता था, खेल नहीं सकता था, उनको देखता था, बच्चों को देखता था. तो तकरीबन 2-3 साल ऐसे ही उनके साथ, एक साइकिल थी तो उन पर जाते थे आते थे. सो बस फिर एक शौक चढ़ गया कि यस आई वॉन्ट, मैंने भी कुछ अचीव करना है, मैंने भी एक प्लेयर बनना है, एक नाम बनाना है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास वो सब कुछ है. ज़बरदस्त, माशाल्लाह. और आप कोचिंग भी करते हैं, अब आपके कितने सारे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ मतलब आप उनको भी सिखा रहे हैं, एंड आई मीन इट्स अमेजिंग. कमिंग टूवर्ड्स मानूर का तो मैं कहूँगी कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, इनको तो आप हर स्पोर्ट्स में देखेंगे, हर जगह नज़र आती हैं कि अच्छा बास्केटबॉल भी खेल रही हैं, तो बैडमिंटन भी खेल रही हैं, तो टेबल टेनिस भी. आई मीन यू आर एवरीवेयर. टेल अस अबाउट इट. It's my story is pretty straightforward. I started when I was like 6 years old or something. Very young and very energetic child. My parents were like, this child needs to channelize her energy somewhere, and they were like, इसको छोड़ दो ताकि जाए खेले कूदे, तो you know हमारे घर में जो energy bomb फिर रहे तो ये थोड़ा सा calm down हो जाएगा. But they were right. They enrolled me in taekwondo. हम बिल्कुल नए, we got posted to Hyderabad and we just yeah, it was very far away from home, you know, we're in Peshawar and we were in Hyderabad, that's like right near Karachi. So they're like, okay, let her do something, and I got into taekwondo. I made all my friends there and I met a lot of people there, and then when I was 7 I joined tennis as well, and I like
just everything I could get my hands on, football, tennis, sorry, cricket, everything. Off. Let's get back a little to taekwondo. Maine khud iska naam jab inse pucha na, to I couldn't even pronounce it. Yeah. Tell us about it. What kind of sport? Well, taekwondo is basically a form of Korean, it's a Korean martial arts. And there's, you know, you have the trainers all around Pakistan. They have World Taekwondo Federations. Is it offered here in Chicago? It's for males, yes. They have in Hyderabad Sports Complex. They have, they have a ITF and WTF over there, but they don't have space for women to perform. So it's very heartbreaking when you look at it from that aspect. Exactly. That I still haven't gotten my black belt. I'm still a red belt right now. So it's just one step away from black belt, and I'm feeling like if I get one academy, I'll get there. So I just need that black belt, you know, just for the sake of, you know, calming my head down. But it was fun. I did tennis. I played on the provincial level in tennis when I was 10, just 10 years old. I went to Karachi, played over there, got a bronze medal from provincial games. It was something like, for me, it was my, like my first big achievement. So then I, you know, how it is, and I moved around. My dad was in the army, so we move around a lot. I went to Okada, I continued tennis there, joined swimming, badminton, table tennis. Came to Peshawar. Peshawar was actually the first opportunity I got to get into professional cricket. Somebody referred me to the PCB trials over here, and they're like, "Ab jaye perform karein, you know, bowling, chowling karein." I was like an all-rounder. I was 14 at that time. I was like, "Yeah, sure. I don't see why not." And I went there, and they really liked my bowling. They were like, "You bowl really fast. We need to work on this." And I was like, "Yeah, I don't see why not." I've played with you. हमने इसके साथ से बताई चलो हमारा एक मैच हुआ था. We were in the opposing team. तो इस्लामाबाद में था स्कूल की तरफ से हम गए हुए थे, and that was tough. Of course, they won because Manu थी. You guys won. Not to show off, but you know, I was just talking to a friend the other day, and I was मैं उनको ये बता रही थी कि मेरे 60-70% friends sports के through बने हैं, and I think our first interaction was in that sports, yeah, was through that. Sports as well. So I've all met really, really nice and good people through sports, and I really cherish that aspect of sports as well. When you play team sports, aap team ke saath khelte hain, wo bond jo aapke teammates ke saath banta hai, you know, it's unparalleled. So you know, sportsman has been a huge but it's great part. How you've been, you know, trying out every other sport. Kya ye nahi tha ki kabhi aap matlab, you know, for instance, I like squash, so it's like I want to stick with that. Didn't you want to stick with one sport? I think the isme do cheeze hain. One, ek to ye tha ki I was very restless, so I was like, I need to do everything I can. At the end, maybe I'll choose like a specialty for myself. But when I was little, I was like, I'm going to do basketball, I'm going to do badminton. So, हर चीज़ try करने का. Yes, and then another aspect was that because I used to move around, तो एक जगह में एक चीज़ होती थी, दूसरी नहीं होती थी. So when I moved to Okada, they didn't have cricket everything there, but they did have tennis. इसीलिए वो posting के साथ साथ वो sport भी switch होता गया. And then I came to Peshawar, and there was almost nothing here except for cricket. So I was like, okay, might as well stick to cricket and basketball, and that worked out pretty well, I would say. But yes, that's one of the reasons why I've tried everything, because I was restless and I needed to do something. That's amazing. I mean, that's incredible. और साथ साथ ये आप लोगों को बताई चलूँ कि देखें ये अपने साथ अपने मेडल्स वगैरह भी लाए हुए हैं, और बहुत सारे थे, इससे भी बहुत सारे थे, और हम लोग असल में रख नहीं सकते थे इतने सारे यहाँ. तो दीज आर जस्ट अ फ्यू दैट देयर हियर. आई मीन इट्स अमेजिंग, और मुझे मतलब आई ऑनेस्टली फील प्राउड, बिकॉज यू गाइज आर द यू नो द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, द वंस दैट आर मेकिंग पाकिस्तान, यू नो, उनका नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का. तो दैट्स अमेजिंग. और सर, आपके तरफ जब हम आते हैं, तो आपने बताया था कि आपकी जर्नी में आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए. मतलब एक वक्त ऐसा भी था जब आप खुद ही मेंशन कर रहे थे कि वी डिडंट इवन हैव प्रॉपर शूज टू वेयर. प्लीज़ उसके बारे में बताएं. जब फुटबॉल शुरू किया था तो शौक बहुत था खेलने का. चाचू के साथ ग्राउंड आता जाता था, तो अब्बू के साथ जो सीन हुआ था, तो उसके बाद वो बहुत डिसहर्ट हो गए थे. क्रिकेट खेलता था, उस टाइम फुटबॉल नहीं खेलता था, क्रिकेट प्लेयर था. बस वैसे ही फुटबॉल ग्राउंड आता जाता फुटबॉल शुरू किया, तो चाचू ने बहुत सपोर्ट किया, अबू ने भी फिर बाद में सपोर्ट किया. अबू ने बोला कि अगर खेलते हो खेलो, दिल से खेलो, मेहनत करो. जब ग्राउंड आया तो हमारे जहाँ पर मैं रहता हूँ सिविल कॉलोनी में, तो वहाँ पर क्रिकेट खेली जाती थी. तो ग्राउंड में एक भी बंदा मेरे साथ नहीं होता था, एक बॉल उठा के मैं खेलता था. शूज़ नहीं होते थे फुटबॉल के, प्रॉपर शूज़ नहीं होते. चाचू के शूज़ बड़े होते थे, लेकिन वो भी पहन लेता था. बस वो फुटबॉल का एक शौक़ क्रेज़ चढ़ गया. तो फिर किसी दोस्त ने मुझे कहा कि टीवी देखो, लिवरपूल को सपोर्ट करो. तो वहाँ पे मैंने एक प्लेयर देखा, फर्नांडो टोरेस. तो उसको बस देखते देखते एक शौक़ चढ़ गया कि उसका नाम टोरेस है तो मेरा नाम तैमूर है. तो अपना नाम चेंज करके मैंने रख दिया एम तैमूर टोरेस. वहाँ से एक शुरुआत की. क्रिकेट वालों के दरमियान जाके मैं फुटबॉल खेलता था, कभी यहाँ लगी कभी यहाँ लगी. वो लोग ग्राउंड से निकाल देते थे, मोटिवेट होते होते बच्चे खेल देखते रहे. सड़क से उठ के हम ग्राउंड में आ गए. ग्राउंड में आते आते एक पेच, दूसरा, तीसरा,
वो पूरे ग्राउंड पे हमारा एक कब्जा हो गया। मेरे साथ बच्चे थे छोटे छोटे, वो मोटिवेट होते गए, उनके मैं बाल लाता गया। उस टाइम मेरे पास जेब में कभी 5 रुपये कभी 6 रुपये तो 30-40 रुपये का एक फ़ुटबॉल मिलता था। जब उन वो बच्चे मुझे देख लेते तो वो कहते हैं फुटबॉल एक फ़नी गेम है, एक एंटरटेनमेंट है, एनर्जी होती है। तो वो लेवल शुरू हो गया। तो फिर मुझे मेरे चाचू कयूम स्टेडियम में आके उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। तो जहाँ पे वहाँ पे मैं 3 साल तकरीबन लाइन पे बैठा रहा, मुझे एकेडमी में चांस नहीं मिला, खेलने का चांस नहीं मिला। लेकिन ये कि चाचू मेहनत करते जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, सपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। फिर घर से भी जब मैं 8th क्लास में प्रमोट हुआ तो अब्बू ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। घर से मुझे मेरी अम्मी ने, मेरी पप्पो, सब लोगों ने मुझे, मेरी फैमिली ने बेसिकली मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये बहुत मैटर करता है। तो जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो फिर मेरे कोच है अब्दुल शकूर साहब, बासित कमाल साहब, फैसल जावेद, सो ऐसे बहुत सारे मेरे सीनियर हैं जिनके अंडर में खेल चुका हूँ, मुझे सिखा चुके हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू एवरीवन, क्योंकि मेरे लाइफ में उन लोगों का वो रोल है जो मैं कभी भी उनका शुक्रिया। 3 साल में लाइन पे बैठा रहा, मुझे चांस नहीं मिलता गया, बट डिसहार्ड नहीं हुआ। मेरे चाचू ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बोला ट्राई अगेन। मेहनत की, मैंने हार्ड वर्क किया, अपनी कमजोरियां अपनी खामियां छुपाने लगा। कभी वो मोमेंट नहीं आया लाइफ में जहां आपका बस आपने कहा कि बस आई वांट टू गिव अप, आई वांट टू क्विट? दो दफा सोचा कि बस गिव अप कर लेता हूं, क्योंकि मौका नहीं मिल रहा था। तो चाचू ने बोला कि ये 2011 में, अच्छा जी, बस मौका नहीं मिल रहा था 4 साल से। तो चाचू ने मेहनत की, उसने कहा कि ये चीज़ें कवर करके खामियां छुपाओ, इंशाल्लाह मौका मिलेगा, मौके से फ़ायदा उठाओ। फिर मैं KPK की टीम जा रही थी अंडर 13 की, तो मैंने ट्रायल दिए, मेरा नाम आया, खुश हो गया अखबार में नाम देख के, क्योंकि एक क्रेज़ था पूरे स्कूल में, पता लग गया था कि भाई तैमूर है अपने इलाके से, वाहिद एक मैं बंदा था। आज भी बच्चे मुझे देख के, इवन फीमेल्स भी मेरे इलाके के मुझे देख के वो फुटबॉल खेलती हैं, क्योंकि अब वो ग्राउंड एक बेसिक फुटबॉल ग्राउंड बन गया। अच्छा। इतना स्ट्रगल किया अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे कम से कम 50 से 60 बच्चे खेलते हैं रात के वक्त। फीमेल्स आती हैं, उनके साथ बच्चे आते हैं, वो भी खेलते हैं। अच्छा। वहाँ से मुझे एक चांस मिला। फिर जब हमारा पहला टूर लगा इस्लामाबाद का, तो आपको पता है कि पंजाब हमारे साथ हर दफ़ा ऐसा ही करती है कि हमारे प्लेयर्स को वो बहुत डिसहर्ट कर देते हैं। अच्छा। हमारी टीम थी KP की, हमारे साथ एक प्रॉपर शूज़ नहीं थे, एक किट पहनने के लिए नहीं थी, बस लोग हमारा मजाक उड़ाते गए। वहाँ पर भी मैं बैठा रहा, मुझे सेमीफाइनल में एक मौका मिला, तो वहाँ पे मुझे एज अ प्लेयर मौका नहीं मिला, मुझे एक गोलकीपर बना दिया, क्योंकि हमारे पास गोलकीपर नहीं था। तो मेरे जो कोच थे आदिल साहब, उसने मुझे कहा, पूरी टीम बैठी हुई थी, कहते हैं कि कोई ऐसा बंदा होगा जो बोले कि भाई हाँ मैंने कुर्बानी दे के कीपर खड़ा होना है? तो मैंने कहा यस सर आई विल। वो एक मैच मैंने खेला कश्मीर के खिलाफ, मेरे 14 सेव्स थे। तो जैसे ही अगले दिन मुझे पता लगा तो गौर जमान सर मेरे रूम में मुझे कहते हैं, तैमूर आपका नाम आ गया नेशनल कैंप में एज ए गोलकीपर, आप फॉरवर्ड भी खेलो गोलकीपर। बस वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रेगुलर बेसिस पे अपने डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली वो आपका सैक्रिफाइस एक तरीके से आपको फायदा मिला। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता है, KP होता है, KP की टीम जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कैंप से कॉल आ जाती है ट्रायल के बगैर भी कि तैमूर आप कैंप ज्वाइन करें। पिशावर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे पाकिस्तान रेलवे को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इंटर यूनिट, तो एयरफोर्स ट्रायल देने भी अभी गया था, इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तान लीग के लिए बुला रहे हैं। सो बस एक मूवमेंट लाइफ में ऐसा आता है कि बंदा डिसहार्ट हो जाता है कि कुछ सपोर्ट नहीं था। एग्जैक्टली। लेकिन मोटिवेशन में आई वांट टू थैंक्स टू माय अंकल, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आज मैं जो भी हूँ। लेकिन उसके साथ साथ फिर मेरे बाबा ने मैट्रिक के बाद मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। मेरे 2-3 टूर लगे KP की टीम के साथ, फिर पाकिस्तान कैंप में मेरा नाम आया 2-3 दफ़ा, बस एक मोटिवेशन थी। फिर वापडा की टीम में मैं सेलेक्ट हुआ। जब मैं पिशावर वापस आया तो पिशावर की सियासत ने मेरी वो सीट छीन ली मुझसे, मैं टीम में सेलेक्ट हुआ था, मेरा ऑर्डर गायब हो गया था। फिर लाहौर कॉल करो वो कहते हैं सेलेक्ट हो, पिशावर में कहते हैं यू आर नॉट सेलेक्टेड, फिर मेरी जगह किसी और को रख दिया। अच्छा, फिर भी गिव अप, जी बिल्कुल। तो फिर भी चाह रहा था कि बस गिव अप कर दूं, लेकिन फिर भी मोटिवेशन था कि यार अगर मैंने जितना फुटबॉल सीखा अपने उस्तादों से, सो मैं चाहता हूं कि मुझे चैलेंजेस और सी सब्र की वजह से ही फिर आपको फल मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूं। अभी रिसेंटली मुझे एयरफोर्स अपने कैंप में भी बुला रही है,
पाकिस्तान लीग के लिए. सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. बहुत अच्छी बात है. और साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, यू आर डूइंग सिविल इंजीनियरिंग. तो ये कैसे आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? और ये बस शुरू से अबू ने एक ही बात बोली थी कि खेलो, खेलने से कभी भी मना नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिटनेस और सब कुछ अपनी जगह, लेकिन साथ साथ पढ़ाई ज़रूरी है. एक बेसिक है, पढ़ाई भी करो और पढ़ो भी और खेलो भी. सुबह स्कूल, ट्यूशन वगैरह सब कुछ एक अपना टाइम था, लेकिन मगरिब के टाइम हमें 2 से 3 घंटे मिलते थे ट्रेनिंग के लिए. वो प्रॉपर ट्रेनिंग का टाइम होता था. अच्छा। अब वो खुद भी ग्राउंड आते थे मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. ऐसे मामा तो भी बैलेंस कर लेते थे, मतलब टाइम नहीं मिलता था, लेकिन बस मुश्किल हालात में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के फुटबॉल खेलते थे. बट अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत वक्त है टाइम खेलने के लिए. पढ़ाई भी अभी ख़त्म होने वाली है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. बिल्कुल, ये तो बहुत मज़े की बात है. और बिल्कुल आपकी तरह मानूर भी, शी इज़ एन ऑलराउंडर, और पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छी. यूनिवर्सिटी में शी इज़ इनटू एवरी एक्टिविटी. आई मीन ये सब तो मैं देखती हूँ, खुद देखती आ रही हूँ कि यू आर इनटू एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग मानूस देयर, एंड विद दैट स्पोर्ट्स एज वेल, विद दैट पढ़ाई में भी, यू नो यू आर द बेस्ट. सो माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है. हाउ डू यू मैनेज इट? आई मीन जिस तरह तैमूर ने बात की है, माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, ग्रैंड पेरेंट्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी कि बच्चे का यू नो वट एवर यू वांट टू डू, गो अहेड, वी आर नॉट गोना स्टॉप यू फ्रॉम दैट. बट दे आर सेड कि कॉम्प्रोमाइज पढ़ाई पे नहीं करना. आई मीन यू नो दे आर सॉर्ट ऑफ ओल्ड स्कूल इन दैट रिगार्ड एज वेल, के यू नो इट शुड बी प्रायोरिटाइज, एंड दैट्स वट अनफॉर्चुनेटली यू नो आई हैव टू डू सिंस आई जॉइन यूनिवर्सिटी. आई एक्चुअली लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. आई हैवंट प्लेड क्रिकेट इन अबाउट यू नो 2.5 years. Because it becomes hard when you're in university, you have regular classes. हमारे जब क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है उसके सिर्फ आई नीड अ मंथ सिर्फ उसके लिए, क्योंकि हमारे 2.5 week का कैंप होता है. फिर हमारा टूर्नामेंट भी 2 weeks का होता है. एंड आई थिंक दैट्स द सेम फॉर एवरी स्पोर्ट. एटलीस्ट हर टूर्नामेंट से पहले आपका 3 weeks का एटलीस्ट कैंप होता है. इस कैंप में यू हैव टू गेट टूर्नामेंट फिट, एंड यू हैव टू यू नो गेट लॉन्ग विद योर टीममेट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो यू नो इट्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस. आई रियलाइज दैट यू नो इट्स समथिंग आई हैव टू डू. So I put it on hold for these 3 years, 3.5 years, and I was like, yeah. you know, I'm going to do this. Uske sath maine university ki taraf se khela hai, maine idhar sports complex ki taraf se regional level pe khela hai, but I haven't really gone back to national level yet. I think it's a lot of hard work. I remember going, you know, kuch saal pehle university shuru hone se pehle jab main squash khelti thi, I played for a good 2 years, I guess. To mujhe mere coach bahut kehte the ki nahi, hum chahte hain ki aap proper professionally khelein, competitions ke liye jaye, but my mom would be like, you know, just keep it a hobby, focus on your padhai. To ye hai hamari society mein abhi bhi. It exists, it's a dilemma. But शायद मैं इतनी अच्छी थी भी नहीं, शायद मैं कभी मैनेज कर भी ना पाती दोनों चीज़ें एक साथ, क्योंकि there's a lot of traveling, right? When you're in sports, there's a lot of traveling, हर वक्त जाना, कुछ कुछ दिनों के लिए रहना बाहर, तो इसीलिए then I couldn't continue. Yeah, no, it's understandable because you know we बात ही कभी इस्लामाबाद में टूर्नामेंट होता है, कभी लाहौर में टूर्नामेंट होता है, sometimes you have to go to Karachi as well. That's what when I was in A levels, it was manageable because you know उनकी कोई attendance policy नहीं होती थी. Something like that. So it was a lot easier. I could, you know, leave school for a month and nobody would care as long as I studied for it. And that was fine. That was fine with my parents as well because I'd come back. Even मैं सुबह मैच होता था 8 घंटे का, हमारा ODI का मैच होता था, हम 8 घंटे बाद सनबर्न होके थके सारे आते थे. I take a warm shower and then फिर मैं सारी रात पढ़ती थी. So you know, it's something that I did at that time. But as you know get into more professional level, you realize that it's becoming harder to manage. So I did that. I put it on hold for a bit, but I'm now planning to get back to it. You know, between bachelor's and master's के बीच में 2-3 साल खेलूँ, and then hopefully you know get admission into place where I can play as well. So sounds great. So Manur, being of women in sports, we know that there are a lot of challenges. बहुत सारे मतलब औरतों के लिए हमारी इस society में जहाँ already there's a lot of biasness, इतनी opportunities नहीं होती, इतने platforms नहीं होते. What is your take on it? I would say that I've had hands-on, first-hand experiences about the struggles you know that women face, and I would say I was one of the lucky ones because I had at least supportive parents. A lot of women athletes don't even have a lot of supportive household, supportive parents भी नहीं होते. तो I think मुझे उस लिहाज से थोड़ी सी छूट थी. I had it easy in that aspect, but still, you know, in terms of infrastructural जो availability या accessibility है वो नहीं है यहाँ पे. मैंने अपनी सारी उम्र लड़कों के साथ खेला. आई एम नॉट जोकिंग. आई प्लेड फुटबॉल विद लड़के, बास्केटबॉल विद लड़के, बट देन यू नो कल्चरली व्हेन यू गेट टू अ पॉइंट यू कैंट प्ले विद देम एनी मोर. यू कैंट प्ले ऑन द इन द ग्राउंड्स एनी मोर. यू नो यू नीड अ वेरी sort of secluded place keh le use. I was fine with that. I was fine with my parents used to support me, so they'd be like, go play ahead. But I can't say that for a lot of parents. I can't say that about a lot of the households over here because wo cultural influences hote hain isme, religious influences hote hain. Exactly. But they exist.
टूर्नामेंट्स नहीं होते यू नो इन टर्म्स ऑफ बजट डिस्ट्रीब्यूशन औरतों की स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट्स होते हैं दे यूजली पुट असाइड. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टिल 17 वी यूज्ड टू हैव रेगुलर गर्ल्स के अंडर 17 के क्रिकेट टूर्नामेंट होता था, अंडर 19 का होता था, अंडर 21 एंड फर्स्ट क्लास जो हमारा होता था. एंड आई यूज टू गो टू देम रेगुलरली. आई बीन टू लाइक फोर डिफरेंट इवन फर्स्ट क्लास लेवल पे भी मैं गई हूँ. बट दिस पास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज बीन नो टूर्नामेंट्स व्हाटसोएवर. कैंप्स के लिए यू नो यू डोंट गेट बजट फॉर कैंप्स बिकॉज यू नीड टू स्टे इन शेप यू नो फॉर दिस. प्रैक्टिस करनी होती है, वो कैंप्स नहीं हो रहे थे, रीजनल लेवल की टीम्स खत्म हो गई हैं, डिपार्टमेंट्स तो स्टार्ट में थे ही नहीं औरतों के, वो जब आ गए वो भी खत्म हो गए. सो इट्स अ स्ट्रगल यू नो टू टेक पीपल सीरियसली बिकॉज इफ यू वांट अ करियर इन समथिंग यू नीड समथिंग कंसिस्टेंटली एंड इफ यू डोंट गेट दैट कंसिस्टेंटली फिर आप कहते हो कि यू नो माइट एज वेल जस्ट गो समवेयर एल्स, कुछ और कर लेते हैं. और इसी हवाले से हम बात करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, देन वी गोना टॉक अबाउट हाउ यू नो व्हाट यू बिलीव कि कौन से इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए. पर अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो हम चलते हैं एक ब्रेक पे. बैक एवरीवन. तो इतने सारे मेडल्स जो पड़े हुए हैं, आप लोग थोड़ा बहुत बता दें इनके बारे में. इफ़ यू कुड शो यू नो हमारी जो ऑडियंस उनको कुछ दिखाएं, थोड़ा बहुत बताएं कि कौन सी जगह पे अचीव किए हुए, कैसे अचीव किया है. प्लीज़ यू कुड गो फर्स्ट. जी मेरे लिए तो ये दो बहुत चैलेंजिंग थे क्योंकि ये जो यूफोन का टूर्नामेंट था रिसेंटली पिशावर में हुआ था तेमा स्टेडियम में, ऑल पाकिस्तान यूफोन चैलेंज कप. अच्छा. इसमें हमारा फाइनल आया था चतराल के साथ क्योंकि आप सबको पता है कि बेसिकली कराची जो मिनी ब्राज़ील के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो है फुटबॉल सपोर्टिंग और बहुत क्रेज़ है फुटबॉल का चतराल में, उनकी क्राउड बहुत ज़्यादा थी. जो पिशावर और चतराल का मैच था तो तकरीबन 2% क्राउड जो थी वो पिशावर की सपोर्ट में थी, 98% क्राउड जो थी तो वो चतराल को सपोर्ट कर रही थी. वो मैच जाते जाते एक्स्ट्रा टाइम मैच भी ड्रा हो गया 0-0. ये हम प्लेंटियों पे जीते थे. ये मैच टफ मैच था, वन ऑफ टफ मैच ऑफ माई लाइफ एवर, क्योंकि चतराल के बेसिकली बहुत सारे स्टार प्लेयर्स हैं जो खेल रहे थे, मोहम्मद रसूल गाजी, उनकी बड़ी अच्छी टीम थी. सो अगर इसको थोड़ा सा आप दिखा दें कैमरे की तरफ के, बिल्कुल. एक ये था और ये एप्टाबाद में टूर्नामेंट था क्योंकि चतराल के बाद मैं समझता हूँ कि फुटबॉल का क्रेज़ एप्टाबाद में कुछ ज़्यादा ही है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक टूर्नामेंट ख़त्म होता है दूसरा टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है. ये भी मैच था जिधर मैं शाह क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारा मैच था कमेटी की टीम के साथ, तो वो हम जीते थे प्लेंटियों से. इसमें मेरा एक दोस्त था उसने प्लेंटी सेव की थी. ये मेरी लाइफ के दो टफ मैचेस थे. दैट्स ग्रेट. इतने सारे मतलब बहुत ज़बरदस्त बात है. महानूर अगर आप प्लीज़ थोड़ा बहुत बताएं इसके बारे में. जो आई लाइक अ लॉट दिस वन स्पेसिफिकली I got this in national games. हम गए थे. I was pretty young at that time. मैं बिल्कुल नई नई. I came to my school, and they saw me in this एक tournament में. They like we like you. They took me to the national games. So it was basically north region, central region, and southern region. Three major regions. And उसमें they got me in basketball and athletics. And this was I think that's something I won for shot put. It's basically you have to throw this 5 kg ball. Achha. As far as you can, and it was really fun. I really liked these games. Because you've been into athletics for a couple of years. अभी भी करती हैं मतलब? On and off, yes. The last time I did was 2 years ago. I haven't done it afterwards. उसमें फिर javelin भी था. I remember javelin था, discus था, 100 meters. Oh wow! I have a few gold medals and a couple of silver medals from that tournament. It was really nice. And this medal is particularly special because this one was my first proper tournament with my new school, and I didn't know anybody in the team. I didn't know anybody who I was going with. But when we got there, we played. It was a very nice trip. It was two nights over there as well. I connected with a lot of friends, and when I came back, I had this whole bus full of friends, and I was memorable in that. So, so each of these medals. They have like a memory attached to it. Yeah. तो मतलब आप लोग जब भी देखते होंगे आपको पूरी कहानी याद आती होगी कि अच्छा इस दिन पे क्या हुआ था, हम कैसे जीते थे. तो that's amazing actually. तो जैसे कि हम लोग challenges के बारे में बात कर रहे थे, I'm sure औरतें काफ़ी ज़्यादा face करती हैं, इसी तरह मर्द भी face करते होंगे in sports. But आप लोग को क्या लगता है कि what are the main things, ऐसे कौन से initiatives government को लेने चाहिए to tackle those? Anything that you think would add up to it, on grassroots development of
girls and of women as well. You need infrastructural, इस तरह की infrastructural availability चाहिए होती है आपको. You need grounds for them. आपको grounds की ज़रूरत इसलिए होती है because obviously अब मैं सड़क पे practice नहीं कर सकती, मैं खाली plot में practice नहीं कर सकती. इससे तो काफ़ी लोग कर सकते हैं, you know, can they can go out, especially it's easier for boys. वो जा सकते हैं, वो तो road पे भी cricket खेल सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, permission का problem होता है और वो होता है. बट आई थिंक इन्वेस्टमेंट इन दैट, स्पेशली स्कूल लेवल पे, आप स्कूल लेवल पे इन चीज़ों को इनकरेज करें. आई रिमेंबर मेरी अम्मी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी उनके टाइम में, कि उनके टाइम में स्कूल्स यूज़ टू इन्वेस्ट सो मच स्पोर्ट्स में, और लड़कियों के स्पोर्ट्स में परेड्स होते थे उनके, उनके इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होते थे, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई थिंक दैट रियली इंस्टिल्स द वैल्यू आपके अंदर, स्पोर्ट्स की वैल्यू, स्पोर्ट्समैनशिप की वैल्यूज़. और आप जब बचपन से ये चीज़ें खेलते आते हैं तो आप फ्रेश भी होते हैं, मेंटली भी फ्रेश होते हैं, फिजिकली भी फ्रेश होते हैं. सो यू नो स्पोर्ट्स हैज अपनी एडवांटेजेस होती हैं उनकी. सो आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट इन दैट, यू नो, ब्रिंग बैक दोज स्मॉल स्केल लेवल टूर्नामेंट्स. थोड़ा सा पैसा लगाएं, यू नो, इस एरिया में, बिकॉज आई गेट इट. आई मीन मैं तो, यू नो, उधर अनफॉर्चुनेटली मर्द हजरात को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल. माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल, सो आई नो, यू नो, मुझे मुझे कहानियाँ सुनाता है एंड हिज स्ट्रगल, आई सी इट. सो इट्स हार्ड फॉर देम एज वेल, बट इट्स हार्ड फॉर अस एज वेल. एंड यू नो देर सो मेनी, इधर इतना टैलेंट है रिदा, आई कॉन्ट एम्फसाइज इनफ. मैं सिर्फ, आई हैव बीन टू 4 कैंप्स इन पेशावर, क्रिकेट कैंप्स, एंड द अमाउंट ऑफ लाइक बच्चे होते थे लाइक 13-14 ईयर्स के होते थे, बट उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनकी गेम मेच्योरिटी, इट वॉज अस्टाउंडिंग. एंड आई वाज लाइक, अगर थोड़ा सा इनको, इन पे खर्चा किया जाए, थोड़ा सा डेवलप किया जाए, तो पाकिस्तान की टीम आराम से पहुंच सकते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स द प्रॉब्लम, जो सीरियस होते हैं फिर अपने करियर के लिए, दे डोंट स्टे इन पाकिस्तान, दे लीव, दे गो टू इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया. एंड दैट्स अ लॉस फॉर अस, कि इतने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स थे जो सीरियस थे एक स्पोर्ट के बारे में, एंड दे लीविंग अस. सो यू नो दैट्स आवर लॉस, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज, कि यू नो, invest in women. Invest in women, invest in women. It's really important that you develop them niche se hi, so when they go up, at least they want to represent Pakistan, they want to represent the country, because a lot of them do, they want to represent the badge, they want to wear the color and go out and represent Pakistan. And you know, if you give them the opportunity to, they will, and they will make you proud, and I'm very sure of that. Very true, that those are very valid points, Manoj. Demur, aap kya kehna chahenge? Government ke liye, sports board ke liye, to wo ek challenging ye tha ki grassroots level, school level, jo ke मेरे लाइफ में भी, मुझे भी इंजरी हुई थी, ACL इंजरी. तो बेसिकली एक ऐसी इंजरी होती है जो स्पोर्ट्स के लाइफ एंडिंग है. अच्छा. क्योंकि क्रूशेड लेगमेंट पड़ जाते तो खेलने के लायक कोई नहीं होता कि आप दोबारा खेलो. उस टाइम पे केपी गवर्नमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स DG जुनेद साहब, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ. वो आजकल DC सवात हैं. अच्छा. उस टाइम वो DG स्पोर्ट्स थे, उन्होंने मुझे फ़ंड दिया, मैंने अपनी सर्जरी की दोबारा. अच्छा. मेरी बहन है, मुझे उस टाइम पे मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया. ये चीज़ में तकरीबन 2010 से मैं देखता आ रहा था कि KP गवर्नमेंट ने या डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स ने कभी किसी बच्चे को सपोर्ट नहीं किया. जब से ये PTI की गवर्नमेंट आई है, आई अप्रिशिएट देम कि इन्होंने मोटिवेट किया बच्चों को, सहूलियात दी हैं. बट आई जस्ट वॉन्ट के जो बेसिक लर्निंग एज है बच्चों का, वो है 6-12 ईयर्स, स्कूल लेवल से इनको वो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए कि ये लर्न करे. जब बच्चा 13-14 साल का हो जाता है, फिर वो बेसिक नहीं सीख सकता. मेरे साथ खुद यहाँ पे बच्चे आते सीखने के लिए, 6-12 ईयर जो इनका एज होता है, वो सब कुछ सीख जाएंगे. टाइम के साथ साथ वो इम्प्रूव करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आए कि ये पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे, इंशाल्लाह, आई होप सो. अब जो अब मौका मिल रहा है प्लेयर्स को, सहूलत भी है, मौका भी मिल रहा है, लेकिन वो प्लेयर सामने नहीं आ रहे जो मेहनत करते थे. हम खुद 3 बजे ग्राउंड में जाके खेलते थे, गर्मी हो सर्दी हो, एक बेसिक ट्रेनिंग होती थी, कोचेज़ भी मेहनत करते थे. आजकल सारे सहूलत है, कोचेज़ भी है, लेकिन वो मेहनत नहीं की जाती, क्योंकि प्लेयर्स इंटरेस्ट ही नहीं लेते. सहूलियात बहुत ज़्यादा है. KP गवर्नमेंट ने तकरीबन 2-3 साल में KP को यहाँ से यहाँ तक लिया. नेशनल में भी अभी हमने गोल्ड मेडल लिए हैं. पहले पेशावर या KP रीजन कुछ भी हो, इंटर बोर्ड की टीम जाती थी तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी. अब अल्हम्दुलिल्लाह KP का एक नाम बन गया, जो कि पंजाब के साथ, सिंध के साथ, बलोचिस्तान के साथ आ रही है वक्त के साथ, लेकिन प्लेयर नहीं आ रहे सामने. क्यों? वो लड़के मेहनत नहीं करते, सहूलियात सब कुछ है, बस अगर कोई मेहनत करे तो इंशाल्लाह. आई अप्रिशिएट PTI गवर्नमेंट के, उन्होंने बहुत काम किया स्पोर्ट्स. दोनों के स्टेटमेंट्स बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग थे, बट इसमें बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस. एग्जैक्टली, सबके अपने obviously he's been
इन्वॉल्व्ड इन इट तो उनको ज़्यादा पता होगा. मैं तो एज अ प्लेयर एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ एंड माई फ्रेंड्स एंड मेरे टीम मेट्स के एस्पेक्ट से कि हमें कितनी मुश्किल हुई हैं. एंड ऑब्वियसली मेन एंड वुमेन हैव हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के पी लेवल पे. तो आई रिमेंबर उनकी बात के केपी के जो हम जाते हैं गेम्स के लिए, मुझे याद है जब हम रीजनल लेवल पे खेलते थे इवन नेशनल लेवल पे they used to be after us, they used to say Pathani ko pakdo ye bhag rahi hai, you know, when you used to play basketball and they used to genuinely I wouldn't say fear but they respected us a lot because we used to be very fierce competitors. बहुत कम ट्रेनिंग के साथ हम जाते थे, कैंप्स हमारे होते नहीं थे, जो खाली ग्राउंड में मिला बाइस के पीछे जो ग्राउंड है वहाँ पे थोड़ा सा खेल लिया, इधर खेल लिया उधर खेल लिया, किसी स्कूल के ग्राउंड में खेल लिया, जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती थी उस पर हम खेलते थे. बट जब हम जाते थे बहुत कम प्रैक्टिस के साथ जाते थे, बट वी यूज़ टू प्ले सो वेल कि इवन आई यूज़ टू बी लाइक के दिस इज़ सो मच रॉ टैलेंट इन लोगों में ना, कि अगर थोड़ा सा ये लोग सीजन हो जाएँ. आई रिमेंबर मेरे सर हैं सर मुकम्मल शाम, ही यूज्ड बी माय ओ लेवल्स के स्पोर्ट्स के टीचर. हां बिल्कुल. एंड पीपल से कि आपके पेरेंट्स आर यूजुअली योर बिगेस्ट फैन, बट जेन्युइनली दैट मैन वो जिन्होंने आई प्लेड अ लॉट विद हिम, यस वो जितना सपोर्टिव बंदा है ना, he was the first one who pushed me towards professional cricket. He's like go, he recommended me to the PCB trials ke jaye, mujhe even location diye, unhone kaha ki main tumhe chhod bhi dunga. Maine kaha sir thank you so much, but he supported me a lot. सर फयाज सपोर्टेड मी अ लॉट. इवन हमारी जो रीजनल क्रिकेट की कैप्टन होती थी मैम सलमा, शी वाज अ ह्यूज सपोर्ट सिस्टम. वो बल्कि बच्चियों को अपने जेब से पैसे देती थी ताकि अच्छा वो आए रहें रात रहें, जो दूर दूर से आते थे कैंप के लिए उनको अपने घर में जगह देती थी. सो यू नीड पीपल लाइक दैट सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. तो करंटली व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट? माई फेवरेट स्पोर्ट टू प्ले इज आई थिंक स्टिल एंड ऑलवेज विल बी क्रिकेट. अच्छा. But my favorite sport to watch is probably football and basketball. Okay, yeah. Great. और आप बताएं आपको football. Of course. लेकिन squash मुझे पसंद है. Football क्यों है आपका favorite sport? ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे. Football असल में जो fans है ना, fans following बहुत ज़्यादा है. अच्छा. जब crowd बाहर बैठ के आपको support करे ना, वो एक motivation, एक challenge होता है crowd के सामने खेल के performance करना. I just like that. जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि माय फियोंसे इज आल्सो स्क्वाश प्रोफेशनल प्लेयर, मैंने स्क्वाश भी देखी उसकी वजह से देखता रहता हूँ. लेकिन वो जज्बा जो फुटबॉल देखते हैं क्राउड आपको सपोर्ट करे, बट द बिग थिंग इज़ दैट कि जब भी फुटबॉल ग्राउंड में जो टीम अच्छी खेलती है क्राउड उसको सपोर्ट करती है, वो एक अलग ही मज़ा है. अच्छा. एक अलग ही क्रेज़ है कि बाहर से क्राउड बैठ के आपको अच्छा भी बोले बुरा भी बोले, लेकिन आप फोकस ग्राउंड पर रखो अपनी गेम पर रहो, वो एक अलग तो लेवल. आप दोनों के लिए ये सवाल है कि अगर आप लोग कोई और स्पोर्ट खेलने का मौका मिले या चूज करना चाहें बिसाइड्स द स्पोर्ट दैट यू करेंटली प्लेइंग, आप मतलब फुटबॉल के अलावा आप कौन सा स्पोर्ट में इतना ही एक्सेल करना चाहेंगे, ये मेरा सवाल है. स्क्वाश. ठीक है. फुटबॉल. ओके ग्रेट. इफ आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू प्ले फुटबॉल आई प्रोबब्ली वुड हैव सिलेक्टेड फुटबॉल ओवर क्रिकेट, बट नाउ आई थॉट यू शुड चूज बास्केटबॉल क्योंकि मैंने मोस्टली आपको बास्केटबॉल ही खेलते देखा है. बास्केटबॉल बट इन टर्म्स ऑफ लाइक द क्रेज इज दन इन द बात की अराउंड द वर्ल्ड इट्स द फुटबॉल इट्स अनपैरेलल्ड. सो ऑलवेज फुटबॉल फॉर मी. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना क्रेज नहीं है. या दैट्स ट्रू. बिल्कुल ये तो है. अब मतलब जो फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो लोग फुटबॉल खेलना स्टार्ट करें, छोटे बच्चे जो लोग देख रहे हैं अभी, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि आजकल आपको पता होगा कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, घर मोबाइल पबजी वगैरह. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँ, अभी मेरे साथ यहाँ पे तकरीबन अबाउट 80-90 स्टूडेंट्स आके फुटबॉल खेलते हैं, मैं खुश होता हूँ उनके साथ. एक लगाव हो गई, लगन हो गई है मेरी. जब मैं नहीं आता यहाँ से कोई काम होता है, मैं मोस्टली इतना सैड होता हूँ कि आज मैं बच्चों के साथ क्यों नहीं खेला. हाँ. मैं ख़ुद भी इनके साथ खेलता हूँ. मैं सिर्फ उनको यही बोलूँगा, अगर फ्यूचर बनाना है तो ये फ्यूचर इस चीज़ से नहीं बनता. पढ़ाई अपनी जगह, साथ साथ एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होनी चाहिए. फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए, क्योंकि आप मेंटली फिजिकली फिट होंगे, मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा. कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ये बोलूँ कि आप फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो. जब आप स्पोर्ट्स में इंटर हो जाते हो तो आप लाइफ में दो चीज़ें भूल, एक स्ट्रेस डिप्रेशन, ये दो चीज़ें रह जाती है. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए भी ग्राउंड में भेजें, क्योंकि एक दो घंटे अगर वो स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उनका वो मेंटली स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है. पढ़ाई के साथ साथ वो 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप 2 घंटे उसको ग्राउंड में भेजें, वो थोड़ा सा मेंटली भी डिस्टर्ब नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, मैंने सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने मार्क्स लेने. फुटबॉल स्पोर्ट्स भी एक
एक्टिविटी है. बिल्कुल. स्पोर्ट्स में भी आप मार्क्स ले सकते हो, एक अचीवमेंट हासिल कर सकते हो. तो अगर पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स होगी तो बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल अच्छा होगा. दैट्स सो ट्रू. और महनूर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपके इस पूरी जर्नी के दौरान कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आप बहुत ज़्यादा यू आर वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, यू नो सम, यू नो एनी मोमेंट दैट यू रिमेंबर. वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ. Yeah. Oh, put me on the spot here. Honestly, there's a lot of moments. Yeah. It's just small things. Honestly, when you play sports, there are itni choti choti khushiyan hoti hai na usme. Any wo ek hota hai na jisme maybe something was very unexpected or it was very challenging for you. I think bahut mushkil sa situation. My first game, I would say it's memorable. Okay. I won't say for the good reasons because I'll tell you why. Mera first bilkul first national game tha. It was in Lahore. Acha. We were playing against Sialkot. Okay. I went 4 down. हमारी बैटिंग थी, हमारी फर्स्ट बैटिंग थी. एंड माई कोच वॉज लाइक यू कैन डू दिस, ही वॉज वेरी सपोर्टिव. आई वॉज आई थिंक 16 एट द टाइम. यू कैन डू दिस, गो अहेड. वो भी फर्स्ट क्लास की टीम थी. सो वी वर प्लेइंग विद जेन्युइन डिपार्टमेंट्स एंड यू नो सनामीर एंड ऑल ऑफ दीज रियली रियली अमेजिंग प्लेयर्स. तो खैर सियालकोट की टीम भी थी, वो रिलेटिवली अच्छी थी रैंकिंग में. आई वेंट, आई वाज लाइक ओके आई कैन डू दिस, यू नो वेरी पम्प्ड अप. स्कोर इसको मैंने छक्का मारना है, चौका मारना है, यू नो सो पम्प्ड अप. वो द पर्सन हुज बॉलिंग वाज अ मीडियम पेस्ट बॉलर विच वाज फाइन. मुझे थोड़ी स्पिन में मसला होता है, बट आई कैन प्ले मीडियम एंड फास्ट. अब उसने बॉल कराई एंड आई वाज जस्ट द बॉल इज लाइक कमिंग इन स्लो मोशन. आई वाज लाइक यस मैं मार रही, छक्का मार रही. एंड जस्ट आई स्विंग द बैट एंड आई मिस इट एंड आई गो आउट ऑन द फर्स्ट बॉल एवर. It was a golden duck. I was so embarrassed. It was so embarrassing. When I go, oh my god, I could not. Cause the thing with cricket is you have to walk all the way back to the dugouts. मैं सर नीचे किया और बैठी थी करके वापस गई. And my coach was like looking at me like, what did you do? I was like, I can't handle this right now. So I went into the bathroom and I stayed there for 2 hours. जब तक हमारी बैटिंग खत्म नहीं हुई थी. But after that, he really bucked me up. I think that was a moment for me where I was like, okay, this makes sense, because he was so supportive. Even I got out on 0 runs and we needed the runs. And maine bahut reckless shot kheli the pehli ball pe kaun chhakka maarne ki koshish kar raha hai. He didn't. He was like, that's what you matters. Did good, but let's not do that again. I was like, yeah, I got that. But uske baad jo mera match tha, I played really well in that. I did like maine koi 4-5 fours mare the and you know a 6 and all of that. I scored about 30-ish, but that was my first really good score on national level. I was really proud of that. So that was a very proud moment for me. कि मैं पहले पहली मैच में डक पे आउट हो गई थी और दूसरे मैच में, you know, I did well. That's a fun experience. That's wonderful. अब वक्त हो कि हमारे आखिरी सेगमेंट का, जो कि है Never Have I Ever, तो चलते हैं उसकी तरफ. So my first question is, Never have I ever lost my phone. I have not, but my friends. Yeah, but my friends have hidden it from me on purpose. So who lost? Then yes, I have. नहीं वो तो हर वक्त होता रहता है. That happens with me all the time, especially class में. मतलब किसी ने किसी ने छुपाया होगा and you wouldn't know. Exactly. Nobody says it. You're like intention for 1 hour के लिए कि मैंने phone. अच्छा, you guys are responsible, अच्छे वाले. Because I know people जो कि पता नहीं साल में एक दो घुमा देते हैं, then they're like, oh, we lost it. कहीं भूल गए, कहीं रह गया और फिर नया लेना. तो okay. Never have I ever marched in a protest. No, I have not. You've not? No. Or you have? कौन से कुछ? एक community hall है, वहाँ पे बैठे हुए थे. तो हर साल इन बच्चों के लिए कुछ segment होती थी वगैरह. एक दिन मैं उठा हूँ तो मैंने कहा, वैसे ही शौक चढ़ गया था बच्चों के साथ. मैंने कहा आज मैंने भी जाने, अम्मी को बोला था मैं जाऊँगा जाऊँगा. अम्मी कह रही थी कि इतने बड़े हो के बच्चों के साथ. मैंने कहा कि वैसे ही गैदरिंग के लिए मैं गया हूँ. वहाँ पे वो हॉल ही बंद थी. तो नियत बस तो थी. वैसे गुस्सा आ गया, जाके जो वहाँ के चीफ थे उनके पास गया, उनके घर मैंने धरना दिया. आज गेम फिर जब हम शाम को आए, उन्होंने गेम अरेंज कर, कप वगैरह ये सब कुछ हम खुद ही लेके आए. बच्चे घर से ही कुछ पड़े थे वो ले गए. फिर शाम को उन्होंने अरेंज किया. Anything you'd like to share? Oh, this one time, I prank called somebody. I was at a sleepover at my friend's house, and I think it's a mandatory thing that when you sleep over, you hang out. So sometimes you have to be mischievous.
एंड वी प्रैंक कॉल्ड समबडी एंड देन उसके बाद हमने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया. और उस मंथी ने हमें 6 डिफरेंट मुख्तलिफ नंबरों से कॉल की थी एंड ही वाज नॉट प्लीज्ड कि हमने उसे प्रैंक कॉल की थी. एंड देन वी हैव यू सो स्केयर्ड कि हमारे घर ना पहुंचे और समथिंग लाइक दैट. दैट वाज अ गुड वेकअप कॉल बट दैट वाज फन. आई स्टिल रिमेंबर दैट. दैट्स ग्रेट. Never have I ever re-gifted something. कोई गिफ्ट आपको मिला हो? आपने कहा चलो किसी और को गिफ्ट कर देते हैं. You have? आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में कुछ? वो दोस्त था मेरा तो तुर्की से आ रहा था जी. मुझे कॉल करके बोलते थे मोर क्या चाहिए. मैंने कहा आपको पता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो चाहिए वो ले आओ. बस समझ गया हूँ. तकरीबन 3-4 महीने पहले मुझे कॉल करके बता रहा था कि गिफ्ट होगा, अच्छा गिफ्ट होगा. मैंने कहा बस ठीक है जो भी ले आओ ले लो. वो शूज़ लेके आया है. शूज लेके आए तो वो मुझे अच्छे नहीं लगे. अच्छे नहीं लगे लेकिन गिफ्ट गिफ्ट होता है. मैंने सोचा यार क्या करूँ क्या करूँ. एक दोस्त था उसने मेरे नाइकी के शूज़ ले लिए थे. सोच रहा था ये मुझे नाइकी के शूज़ कैसे वापस करेगा, इसको मैं अम्ब्रो के शूज़ दे दूँगा. तो वैसे ही घर में बैठे हुए तो उसको मैंने कॉल की. मैंने कहा जाहिद किधर? उसने कहा घर पर. मैंने कहा ग्राउंड आओ. वो 2 बजे आया, मैं भी आया. बस मैं उसके शूज़ उठा के उसको अपने शूज़ उससे वापस ले लिए. लेकिन वो नाराज़गी अब तक शुरू है. वो नाराजगी अब तक खत्म नहीं हुई. यस इट्स ओके. आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज ज्वेलरी पर्सन. जस्ट स्मॉल टॉप्स इयररिंग्स दिस इज दैट. बट एक दफा सम रिलेटिव ऑफ माय डिस्टेंट रिलेटिव he got me this huge jewelry set and मैं उसे देख रही थी and I was like when am I going to wear this? Probably never. So I did the good thing, I gave it to somebody that was probably going to wear it. Yeah, exactly. So it was packed. It's not like I used it or anything, but it was packed. I just gave it away. I was like, you know what? I gave it to somebody who really appreciated it. So I was like, win-win, I guess. Exactly. And to add up to that, meri jo behan hai, my elder sister, she gifts me makeup kits a lot because she wants me to learn how to put makeup on. Aur main hamesha jo kisi ne kisi ko gift kar deti hu apne friends wagaira ko, to meri friends bahut khush hoti hain ki acha rida. To meri behan jo hai, she started noticing that ki mere paas hoti hi nahi hai. And she would get really upset. To wo mujhe ek din keh rahi thi ki you know, main itne dil se aur itne pyar se leti hu. To I did tell her that I don't use it. I mean, don't get me makeup kits. Yeah. But she was very clear about it and she's like, iske baad agar tumne diya na, now she literally asks me jab bhi baat ho na ki acha pada hua hai istemal karti hu kisi ko de. Just to check. Yeah, just to check. So yeah, never have I ever broken a bone. Yeah, you've not. You have. Yes. वो आपने कुछ बताया था? नहीं, that was the ligament. Yeah. नहीं, football खेल रहे थे तो वैसे ही छोटा भाई था, उसको कह रहा था आओ तो मैं आज साथ लेके जाऊँ. चांद रात थी, final match था. दिल में वैसे ही था कि आज जाऊंगा या मुझे लगेगी या उसको लगेगी. अच्छा। वैसे ही दिल में बस सुबह से एक दिमाग में एक ही बात थी कि फाइनल है, जाऊंगा नहीं जा रहा. फियोंसे ने कॉल की, उसने कहा कि वैसे ही मेरा दिल नहीं मान रहा, आप नहीं जाओ. अच्छा। मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा खेलने. उसने कहा नहीं आप नहीं खेलना. तो मेरा छोटा भाई है आरएस, तो उसको मैंने कहा आरएस चलो, तो वो उसको साथ ले गया. जैसे ही गेम शुरू हो रहा था बार बार उसको एक ही बात बता रहा था, आरएस ध्यान से, आरएस ध्यान से, रफ टैकल नहीं करना लग जाएगी तुम्हें. तो उसने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा वैसे ही मेरे दिल में कुछ वो फीलिंग जा रही है. फियोंसे ने बता दिया था ना इसलिए. तो मैं सब्स्टिट्यूट पे बैठ गया हूँ. तो जैसे ही आरिस एंटर हुआ है, एक बॉल है, कॉमन बॉल थी, उसने हेड लगाई है. जैसे ही जमीन पे आती उसने हाथ रखा है, हड्डी टूट. सो फिर वो सारी की सब कुछ मेरे तरह आ गया कि तुम इसको ले लेंगे. घर में बैठा हुआ था, पढ़ रहा था. Honestly, thinking that the amount of injuries I've had a few severe injuries, like my mouth has scraped, oh, gaya tha, chin scrape, you know. And you've been playing sports for so long. Yeah, so, but like luckily, yeah. I still say this, Alhamdulillah, that I've never actually had a bone break or ligament tear or anything like that. Wow. I've had a partial tear, but nothing like nothing really serious. Serious. So I'm really glad about that. Ke, Alhamdulillah, that never has That's happened. That's great. Alhamdulillah. Never have I ever been subject of a rumor that wasn't true. आपके बारे में कोई रूमर फैलाओ जो कि सच नहीं था, कभी ऐसा हुआ? No, I don't think so. I hope not. At least it hasn't gotten back to me. कुछ आप शेयर करना चाहेंगे या नहीं? Yes, I want to share. रूमर क्या था? ये रूमर ये था कि मेरी फैमिली, ऐसे आपको पता है कि फैमिली थोड़ी सी स्ट्रिक होती है, तो उसी वजह से लोग कहते रहे कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लाइफ पार्टनर है, सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया हर जगह पे, हर स्टेज पे. आज भी वो करती है, मुझे बहुत मोटिवेट करती है. जब मुझे इंजरी हुई थी तो वैसे ही जब वो दोस्त थी तो मैं घर में बैठा हुआ था, तो मेरे अब्बू को किसी ने बताया था कि आपके बेटे
उसकी कोई फ्रेंड है, ये है, वो है। तो एक दिन मैंने उसको सच साबित कर दिया। वो अच्छा। पिशावर आई अंडर 23 गेम्स के लिए, तो मैंने पापा को कहा मेरी कुछ गेस्ट है, तो वो घर आ गए। वो सच हो गया, रूमर तो पापा के कानों तक एक बात थी, तो अबू खुश हो गए इसी से। अच्छा। अबू ने कुछ नहीं बोला, अबू ने बोला ओके। बस ये बातें तो होती रहती हैं हमारी सोसाइटी में। Exactly. आखिरी सवाल है, never have I ever lied to my parents about where I was going. You have? I'm sorry, mom. ठीक है, honest people here. और thank you so much. इसके साथ हम लोग अपना सेगमेंट एंड करते हैं. Thank you सो मच कि आप लोग आए, बहुत शुक्रिया. और जो लोग हमें देख रहे हैं, आई होप आप लोगों ने एपिसोड इन्जॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप सबको. अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. खुदा हाफ़िज़.